हमारे घर बाबू आएगा कि बेनू? लो भैया पिंची नहीं बोल रहा कि बेनू आएगी अब हमारे घर में। 3 महीने तक तो बताते भी नहीं है, अब बता दिया है। बाकी सब आपका भगवान की मर्जी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी 9:45 मिनट फिलहाल मस्त नहा धो के अच्छे से तैयार हो गए। आज है ना हमारे इधर आने वाली है JCB, क्योंकि जो जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं ना वहाँ पूरा कचरा है, तो हमने JCB बोले पूरा साफ कर देंगे मस्त सा, फिर गाड़ी जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी करेंगे, एकदम मस्त लंबा चौड़ा सा हो जाएगा। फिलहाल दादा यहाँ पे जप रहे माला और मम्मी कर रहे जो स्टील की रेलिंग है ना उसकी सफाई। रेंटेड हाउस में रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन दूसरी चीज़ों की सफाई नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे हर चीज़ की सफाई होती है, अपना घर समझ के चलते भी है इसको भी। और हमारा नन्ना मुन्ना सो रहा है भैया, अभी भी 9:45 हो रही है, अभी भी सो रहा है। के सोने का रीज़न एक ही है भैया, रात में जगा था समथिंग 12 बजे तक तो ऐसे ही जगा था, उसके बाद में सोया, फिर 2 बजे वापस उठा, फिर उसके बाद में जैसे तैसे सुलाया, उसके बाद में 3 बजे और उठा, फिर अदिति पास मोबाइल देखा उसने, फिर उसके बाद में सोया, इसलिए अभी सो रहा है भैया। दिन में नींद बनाता है वो, रात में ना परेशान करता है हमको बहुत ज़्यादा, बार बार टोटल परेशान करता है। चलो भाई यहाँ पे बन रही है अपने लिए चाय। बासी पराठा चल जाएगा? क्यों बासी, क्यों तुमको हम बासी खिलाना चाहते हैं आज? ताज़ा नहीं है क्या? नहीं। क्यों? मतलब बना हुआ रखा है, चल जाएगा? तो इस पे गर्म करके अच्छे से करके दो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए पराठा के सब यू, पर चाय के साथ में ना एकदम गरम गरम चाहिए, ठंडा अच्छा नहीं लगता। एक तो फिलहाल अपना चाय पराठा आ गया यार, अपना चाय पराठा खाते हैं भैया। जय श्री कृष्ण करो बेटा। एक तो फिलहाल इसका दिन कब हो रहा है? 10:10 जय श्री कृष्ण कर लो। जय श्री कृष्ण। हाथी जो नहीं देते हम पहले, जय श्री हाथी देंगे अभी, हाथी पहले जय श्री कृष्ण करो। जय श्री कृष्ण दे, जय श्री कृष्ण पहले दे दे। विदित विदित हेलो हाथी, ये पप्पू इधर जबा जबा जबा। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस मम दे दो भैया पहले, पहले तो मम पीऊँगा मैं, अभी छोके उठा ना इसलिए उठते मम पीना चाहिए, कहीं बोलना नहीं चाहिए, नन्हे मुन्ने बदमाश बच्चे। तो चलो फिलहाल दूध आ गया, डर भी लगता है बिल्ला ले जाने में, इतना भरा हुआ ना। अरे 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 पकड़ 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 पकड़, क्या हो गया दुल्लू? लो किसने करी? ठीक है तो फिलहाल हमने विदित के लिए लगा दिया, देखो मारने के लिए। विदित डिशुम कर दो, विदित डिशुम कर दो इसको, डिशुम करो, डिशुम डिशुम कर दो, डिशुम डिशुम और करो डिशुम। ठीक है तो फिलहाल हमारा पप्पू एकदम मस्त सा नहा लिया, बर्थडे टीवी भी हो गया, बर्थडे टीवी भी खा लिया। विदित कैसा लगा आपको ये? नहीं अपन ये लगा, आपको कैसा लगा? पहलवान इधर तक, इधर खड़ा तो हो पहले अच्छे से। नहीं जा रहे, बैठे हम बैठे हैं, हम बैठे नहीं जा रहे, चलना पड़ेगा अब तो। ए नहीं खाएगा वो, अधिक भैया भी खाएगा। अधिक भैया नाम नहीं ले ऐसा। अच्छा नाम नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 केक कटे हैं, रखे इसका इसका इसका। फिलहाल अभी खाना खा रहे थे, बच्चों को केक कटवा देते। तो फिलहाल तीनों बच्चे का केक एक साथ। बुझ भी गया यार, पंखा चल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया बर्थडे हो गया, ये तेरा ये तेरा ये तेरा। खाओ प्रिंसी, खाओ दी, खान दो, बर्थडे टू यू हो गया इनका। तुम तुम्हारा खाना खाओ, अपन अपना खाना खाते हैं। ठीक है तो फिलहाल अभी 6:47 मिनट। फिलहाल आप सभी की इतनी सारी कमेंट आ रही थी, भैया हमको है ना दाने की सब्जी खानी है, दाने की सब्जी की रेसिपी दिखाओ। नाम तो बहुत सुना है पर बनाते कभी नहीं आती हमको। तो फिलहाल आदित्य यहाँ पे दाने की सब्जी की रेसिपी बताने वाली, एकदम पूरी डिटेल में बताने वाली, कौन सा मसाला डाला, कब डाला, कैसा कैसा डाला, सब कुछ बताने वाले। तो फिलहाल पहले यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर उस साइड जाऊँगा, वहाँ से पूरी रेसिपी दिखाएंगे। ठीक है इस तरह इधर पालक काटिए, लहसुन अदरक, लहसुन प्याज और तेजपान पत्ता, और ये सिके हुए मूंगफली के दाने, और ये ऐसा मसाले का डब्बा आपके घर होगा ही। ये तो सबसे पहले तो यहाँ जाके घर का दरवाजा लगा दो, कोई अपने पास आए नहीं। उसके बाद यहाँ पे बनेगा खाना। इसको मूंगफली दाने तले वो नहीं करी, पीसी नहीं रही, रखे उनको निकाल के पीसूंगी ना। हाँ कब? बघार तो तैयार होने दो। ठीक है, कितने पल्ले तेल? अगर आपको तरी चाहिए तो ज़्यादा तेल डालना, अगर नहीं चाहिए तो कम डालना। 3.5 पल्ली भी यहाँ पे ऑयल गया है। उसके बाद में भी तेजपान ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालता है क्योंकि इसका भी चरका लगता है भैया। उसके बाद अभी तेल गरम है, इसमें डालेगी राई और फिर जीरा। राई तड़तड़ाने का वेट। ये प्याज लहसुन का पेस्ट डाल देना भैया। ब्राउन होने देना है, कुछ बताते हैं नहीं तो सीधे चालू जाती है। तो बोलने ही वाली थी तुमको, इसलिए तो बोलना। चलो भैया, प्याज और लहसुन हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर, इसमें ग्रेवी अच्छी बन जाती है। उसके बाद हल्दी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो ज़्यादा। उसके बाद मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा गर्म मसाला। अब इसको एकदम कम सेकना है, ज़्यादा सेक लोगे तो फिर जल जाएगा वो। मसाले सीख चुके हैं, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और तरी। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है पानी डालने के बाद में। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से घुल जाए, खाने के टाइम पे दिखे नहीं वो ऊपर तेरे नहीं। स्वाद के अनुसार नमक ज़्यादा डालना है, घर में कोई खाना नहीं खाना चाहिए। ये था आपके पति का ताना। और साथ में पालक भी इसी तरीके मसाले में पकाएंगे हम। पालक डालना जरूरी है? नहीं, ऑप्शनल है। पालक डाली हुई सब्जी में से टेस्ट ज़्यादा निखर के आता है। अब आप सभी बोलोगे आपने तो दाने की सब्जी बोली थी, यहाँ तो पालक डाल दिया। दाने अब बनेंगे मतलब दानों को अब है ना पीसेंगे, फिर एकदम पतला हो जाएगा, पतला पतला उसके ऊपर डाल देंगे, वो दाने की सब्जी बन जाएगी। पर दानों को डालने से पहले उनको सेकना है, उनके छिलके निकालना है। कुछ इस तरीके से दिखेंगे दाने, अच्छे लगेंगे। खाना इतने प्यार से बनता है ना, पर मैं कभी नहीं खाता इसकी सब्जी क्योंकि एकदम चूर चूर के खाना पड़ती है इनको। पहले दानों को सूखा पीस ले ताकि अच्छे सा पाउडर बन जाए, उसके बाद अब उसमें पानी ऐड करेंगे। पहले ही अगर पानी डाल दोगे ना तो दाने उसमें रह जाते हैं अक्खे अक्खे, फिर वो अच्छे नहीं लगते। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर उसको वापस पीसना है। एक तो लाला काम बिगाड़ना, एक तो लाला अपना ये पेस्ट बन के तैयार है। ये दाने का पेस्ट भी अब ये सीधा जाएगा सब्जी के अंदर। जब तक पेस्ट बना तब तक पालक भी पक गई। अब सीधा ये पेस्ट पूरा जाएगा सब्जी में। मलई डालते हैं ना, उस तरह से दाने डाल दिए हमने इसके अंदर पीस के। अभी दाने की सब्जी बन गई। और दाने डालेंगे, सब कम पड़ गए। ये तो फिलहाल कैसे लगी? अब इसके अंदर दाने और डालेंगे थोड़े से, और अच्छी थीन हो जाएगी, मस्त लगेगी। दाने की सब्जी को मक्की की रोटी के साथ में खाओ, ज्वार की रोटी के साथ में खाओ, रोटी पराठे किसी के साथ में खाओ, पर एकदम चूर के खाना तो जो टेस्ट आता है ना, चूर के एकदम प्याज में के साथ। हमारे घर की सबसे फेवरेट है ना, हमारे घर की सबकी फेवरेट मक्की की रोटी भी है दाने की सब्जी के साथ में, क्योंकि एकदम चूर तो मस्त चूर आ जाती है, सब्जी की खुशबू आ रही है। ये तो फिलहाल और थोड़ा सा डाल दे दाने का, दाने की चटनी, तब अच्छे से बन जाएगी। एक दाने की सब्जी ये है, ऊपर से दाने की चटनी की बात कर रहे थे तो वो भी कभी अदिति बनाएगी ना तो भी बताऊंगा आप सभी को मैं। चलो इधर तो बन गया है खाना, अपन चलते हैं बाहर बच्चों के पास में। रेडी हो गई, थोड़ी सी पकेगी अभी, थोड़ी देर हो गई, एकदम थीन हो जाएगी, थोड़ी सी पतली पतली सी रहेगी। आप इसको थीन भी बना सकते, दाने ज़्यादा डाल दो है ना तो थीन गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, एकदम एकदम मसालेदार हो जाएगी। हाँ, ग्रेवी टाइप, एकदम थोड़ी गाढ़ी वाली ग्रेवी हो जाएगी। पानी कम मिलाना है इसके अंदर, एकदम थीन हो जाएगी मस्त वाली। ये हमारा फ्रिज है ना, इसके साइड में मैंने क्या छुपा के रखा है, यहाँ पे गन छुपा के रखी है। विदित ने इधर इसके अंदर भी जाके गन ढूंढ ली। विदित ने बहुत बदमाश, और बोलता पप्पा बहुत गन, बंदूक बंदूक, गोली गोली, ऐसा कर रहा था मैं कभी। प्रिंसी ओ मेरी प्रिंसी, आजा मेरा प्रिंसा। बेटी कौन, किसकी बेटी है? मामा जी, मामा जी किसकी बेटी है? हाँ इधर आओ, किसकी बेटी है? मामा जी है ना। ला मैं निकाल दूँ, मैं निकाल दूँ। ठीक है। तो फिलहाल हमने ये चीज़ हमारे पहलवान के लिए लगा के दी है। बेटा इससे नहीं, हाथ से मारो, हाथ से मारो डिशुम, हाथ से करो, हाथ से डिशुम करो उसको, डिशुम 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 लगी डिशुम विदित को, डिशुम 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 आ डिशुम। कैसे हो, भूख लगी? तो फिलहाल अभी हम खा रहे हैं फीकी खिचड़ी। जिस किसी को भी खाना आ जाओ भैया घर पे हमारे। फीकी खिचड़ी की रेसिपी मांगते, फीकी खिचड़ी में कुछ है ही नहीं तो रेसिपी क्या ही दे, बता दूंगा किसी दिन और कभी। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे उठ के पढ़ाई कर रहा है, फटाफट फटाफट लिख रहा है वो। तो हो गया उल्टा उल्टा तो नहीं लिख रहा, बोल कितनी स्पीड में लिख दिया उसने पूरा का पूरा एकदम से। टीवी के सामने नहीं लिखा था, टीवी सामने 2 घंटे लगते जरा सा, उसको प्रैक्टिस कर वही। कितना टाइम लगा था टीवी सामने? उस दिन काना के पास साथ में काना ने करके दिया, बोले नहीं मैंने करा, सही में मैंने करा, क्या गजब ने, तुम्हारा 2-2 घंटे लग जाते उसको। ठीक है, तो फिलहाल काना की थाली देखो कितनी भरी भरी सी लगी है, ले भैया चिल्ला दिया था अच्छा, और हमारी थाली देखो कितनी खाली खाली सी लगी पूरी खिचड़ी। ठीक है, इसलिए अपनी खिचड़ी तैयार, चलो हम खाते हुए घी डाल के मस्त। आपको बाबू चाहिए मामी के घर की बेनू? बेनू चाहिए? नहीं चाहिए। इधर जाजा मामा प्यार दे। हमारे घर बाबू आएगा कि बेनू? नहीं बेनू। क्या नाम रखेंगे उसका प्रिंसी अपन? उसका नाम क्या रखेंगे अपन? हाँ बेनू, बेनू, उसका नाम बेनू लगेंगे। वाह पिंची, लो भैया पिंची ने बोल रहा कि बेनू आएगी अब हमारे घर में। बस इसमें चलो छोड़ो जान, तो कहीं नहीं बोलते ही। कंफर्मेशन के लिए 3 महीने का इंतज़ार करो आप, उसके बाद में जो भी होगा बताएंगे हम आपको। तो इतना सा हिंट दे दिया बस वही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल देते ही नहीं भैया। 3-3 महीने तो बता, 3 महीने तक तो बताते भी नहीं है, अब बता दिया है बस, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बाकी सब आपका भगवान की मर्जी बस, बाकी कुछ नहीं। तो फिलहाल इधर चल रहा है विदित सर का ब्रश, वेरी गुड आ करो आ, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो पानी तो भैया जल्दी से लो, कुल्ला करना ठीक है, पहले आगे झुको, आगे झुको, हाँ करो कुल्ला, वेरी गुड, और करो वेरी गुड विदित, हाँ। अच्छे से मुंह में हिला, मुंह में हिलाओ, मुंह में हिलाओ, मुंह में हिला के फिर कुल्ला करो, करो तुको वेरी गुड, एक बार और लास्ट लास्ट वेरी गुड मेरी जान। दोनों हाथ दो भैया, हमारा बच्चा एक साथ दो, वाला हाथ दी, हाँ, सिखाते भी हम ऐसे धीरे धीरे बच्चे को ब्रश कराना सिखाते हैं ऐसे। विदित छोटा, विदित है ना छोटा सा है फिर भी उसको हम ब्रश इसलिए करवा रहे हैं। अदित के दांत किससे सड़ गए वैसे, बच्चे उसके भी दांत है, उसके दांत में कुछ खाता है ना तो फंसता है, और वो जो फंसता है उसी से दांत सड़ते हैं। ऐसा नहीं चॉकलेट खाने से, ऐसा नहीं कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ते, कुछ भी खाएंगे यदि फंस जाएगा रात भर रहेगा तो उससे अंदर के अंदर कीड़े पड़ जाते जो भी रहता है, फिर उससे दांत खराब होते हैं। चल बताओ कचरा, आकर आकर निकाल कचरा, दे कचरा दे, शैतान दे कचरा दे। विदित कचरा क्यों खाया? खाया कि नहीं खाया? पापा वीडियो बनाएंगे ना, करो चालू करो, वेरी गुड, चालू कर दे या बंद कर दे या फिर तेरा पप्पा तेरे को चालू कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी 10:51 हो रही, फिलहाल तो बच्चे सो नहीं रहे, कैसे परेशान करो। उधर देखो लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू, बस यही काम है। इधर ये बच्चा बोल रहा है हमको लाइट बंद करो, मेरे को सोना है, सुबह स्कूल जाना है, और वो बच्चा सोने का नाम नहीं लेता है। भैया एक बच्चा रहेगा ना तो उसको हैंडल कर पाओगे, पर 2-2 बच्चे रहेंगे ना उनको हैंडल कैसे करना हो समझ में नहीं आती, एक को सोना एक को जगना है, और एक को बोलेगा पश्चिम, हाँ एक बोलेगा इधर तो एक बोलेगा उधर, एक को लाइट चालू चाहिए एक को बंद चाहिए। लाइट चालू कर, लाइट चालू कर। विदित विदित हाय करो, कैसे हो? अच्छे हो? लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, यहीं पे एंड करते हैं। हाँ कल मिलेंगे गुड मॉर्निंग में। चाहिए। हाँ अभी बाय बाय बाय। हाँ सो जाओ। हाँ गोली मार देंगे। हाँ समझ जाना। सब बोलता है भी एक वर्ड बुलवाना पड़ता है। कैसे आता है? गुस्सा दिखा दे तो तेरा। रुक जा, गुस्सा दिखा दे तो। हाँ यहाँ पे गुस्सा दिखा दे तो। यहाँ दिखा दे गुस्सा, अच्छे से दिखा। हाँ ऐसा करे। तेरे गुस्से से तो हमको प्यार आता है विदित। जय श्री कृष्णा कर दो। जय कृष्णा कर रे बेटा, लाइट बंद ले। हे गाइस तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सभी अच्छा लगा बोला जैसा लगा बताना कमेंट्स के अंदर। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, सी यू, मिस्टर गुड। क्या बोला अभी मैंने? अभी भी क्या बोला मैंने सभी बताओ कमेंट्स के अंदर। समझ में तो आई नहीं होगी, बोला इतनी फास्ट है मैंने। बाय बाय, लव यू।